नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइफस्टाइल के इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ शर्मी। वो रिश्ता जो आप अपनी मर्जी से बनाते हैं, वो रिश्ता जो आपके सुख में दुख में आपके साथ कदम बढ़ाता है, खुशी हो या गम, हर लम्हे में आपका साथ हमेशा खड़े नजर आता है, वो है दोस्ती का रिश्ता। जी हाँ, आज है फ्रेंडशिप डे, यानी फ्रेंड्स के साथ मौज मस्ती करने का दिन, उन्हें स्पेशल फील करवाने का दिन। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी इसी दिन को आपके साथ खास बनाएं। आज के इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कि मार्केट में किस तरह की गिफ्ट्स अवेलेबल है और यंगस्टर्स इसे किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। शुरू करते हैं खास पेशकश। तो यूं तो किसी भी रिलेशनशिप को अहमियत देने के लिए किसी एक दिन की जरूरत नहीं होती, पर बिजी शेड्यूल के चलते हर रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करने के लिए अलग अलग दिन तय कर लिए गए हैं और आज के दिन मनाया जाता है फ्रेंडशिप डे। तो चलिए जान लेते हैं इस दिन के आखिर मायने क्या है। आपकी कैब फ्रेंडशिप, एक ऐसा रिश्ता जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। ये कभी हंसाता है तो कभी रुला देता है। लेकिन हम तो अभी भी मिले हैं। तो क्या, दोस्त तो होता है जिसे मिलने को जी चाहे। ये वो रिश्ता है जो जीना सिखाता है। That's my friend. पारिवारिक रिश्तों के अलावा दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो हमारी जिंदगी के लिए बेहद ही जरूरी होता है। तेरा साथ ना छोड़ेंगे। दोस्त हमारी लाइफ में खुशियां भरने का काम करते हैं। लाइफ में कोई भी मुश्किल आए, दोस्त हमेशा ढाल बनकर सामने खड़े हो जाते हैं। ये एक ऐसा रिश्ता है जो माँ बेटे में हो सकता है, प्यार करने वालों के बीच में हो सकता है, क्योंकि दोस्ती के कोई मायने या उम्र की सीमा नहीं होती। सात अजूबे इस दुनिया में, आठवीं अपनी जोड़ी, हर थोड़े से भाई टूटे ना ये धर्म वीर की जोड़ी। हो हो हो। हर साल अगस्त के फर्स्ट संडे को मनाया जाने वाला फ्रेंडशिप डे एक ऐसा दिन है जो आपको मौका देता है अपने फ्रेंड्स को ये बताने का कि वो आपके लिए कितने स्पेशल हैं। इस प्यार भरे रिश्ते को रिस्पेक्ट दिलाने के लिए अमेरिका में कुछ लोगों ने एक दिन मस्ती के नाम करना तय किया और उनकी कोशिशें रंग लाई 1935, जब अमेरिकी कांग्रेस ने हर साल अगस्त के फर्स्ट संडे को फ्रेंडशिप डे मनाने की घोषणा कर दी, जिस तरह से दोस्ती का जज्बा हर दिल में होता है, वैसे ही फ्रेंडशिप डे भी वर्ल्ड की हर कंट्री में मनाया जाने लगा। इसका क्रेज पिछले कुछ सालों में इंडिया में भी बढ़ता जा रहा है। परंपरा के हिसाब से लोग इस दिन अपने फ्रेंड्स को फ्रेंडशिप बैंड बांधते हुए दिखाई देते हैं। कार्ड्स देते हैं और जमकर मस्ती करते हैं। आज के दिन कुछ लोग अपने रिश्तों को मजबूती देते हुए दिखाई देते हैं तो कुछ नए रिश्तों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों को स्पेशल फील करवाने का ये सबसे अच्छा मौका है और सबसे अच्छा दिन भी, क्योंकि किसी ने सही कहा है कि अच्छे दोस्त उस हीरे की तरह होते हैं जिसकी चमक कभी खत्म नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज फ्रेंडशिप डे है और हर जगह धूम भी है इसकी। मार्केट फ्रेंडशिप डे के गिफ्ट से सजी हुई है। तो अब आपको दिखाते हैं बाजार की क्या रौनक है। सोचिए, अगर आपके दोस्त नहीं होते तो लाइफ कितनी बोरिंग होती। कौन होता जिसके साथ आप सारी बदमाशियां करते, कौन होता जिसके साथ आप अपनी सारी सीक्रेट शेयर करते।
जी हाँ, दोस्ती जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। ये एक खूबसूरत रिलेशन ही नहीं, एक खूबसूरत एहसास है। और इस एहसास को इस बार आप और भी खूबसूरती से मना सकते हैं इस फ्रेंडशिप डे पे। जी हाँ, इस फ्रेंडशिप डे को और भी खूबसूरत बनाने के लिए मार्केट्स में है ढेर सारे खूबसूरत प्रोडक्ट्स। आप देख सकते हैं कितने सारे खूबसूरत प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे। आप अपने नंबर वन फ्रेंड को दे सकते हैं, आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स को दे सकते हैं। की चेन है जो आपके फ्रेंड के साथ हमेशा रहेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपकी दोस्ती को, आपके दोस्ती में कई सारे ऐसे मोमेंट्स होंगे जो आप हमेशा याद करते होंगे और जिसे याद करके हमेशा आपके चेहरे पे एक मुस्कान आती होगी। तो उसको स्क्रिबल करने के लिए इस बार मार्केट में है खूबसूरत स्क्रैप बुक्स। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत फ्रेंड्स फॉर एवर, फ्रेंड्स फॉर लाइफ के स्क्रैप बुक्स हैं। बिलीव मी, वो खूबसूरत मैसेज इस खूबसूरत स्क्रैप बुक के जरिए आपके फ्रेंड्स के चेहरे पे हंसी जरूर लाएगी। इसके अलावा यहाँ पे खूबसूरत टम्बलर्स हैं जिसपे मैसेजेस लिखे हुए हैं। और फ्रेंड्स सिर्फ आपके हम उम्र ही नहीं होते हैं, सिर्फ आपके कॉलेज मेट्स या सिर्फ आपके ऑफिस मेट्स ही नहीं होते हैं। आप अपने पेरेंट्स को भी अपना फ्रेंड बना सकते हैं, आप अपनी मामा को भी अपने फ्रेंड्स बना सकते हैं। तो इस बार मार्केट में है कुछ स्पेशल। आप अपनी बेस्ट मामा फ्रेंड और बेस्ट पापा फ्रेंड के लिए भी बहुत सारा कुछ है मार्केट में। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत टम्बलर्स हैं जो इस बार आप अपने मम्मी पापा को देकर के उन्हें फ्रेंडशिप डे के लिए सरप्राइज कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि दे आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर लाइफ। जी हाँ, आप अपने सिबलिंग को भी इस फ्रेंडशिप डे में खूबसूरत तोहफा दे सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि वो आपकी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट है और वो आपकी लाइफ के बेस्ट फ्रेंड है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि फ्रेंडशिप बैंड हमेशा से फेवरेट रहे हैं लोगों के, वो स्कूल गोइंग किड्स हो, बड़े हो, ऑफिस गोइंग हो या फिर बड़े ही क्यों ना हो, सबों के लिए फ्रेंडशिप बैंड बहुत मायने रखती है फ्रेंडशिप डे में। और इस बार आप देख सकते हैं कितने कलरफुल फ्रेंडशिप बैंड है, पिंक, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, जो सारे ऐसे कलर्स हैं जो आजकल युवा बहुत फॉलो कर रहे हैं, बहुत ट्रेंड में है। इसके अलावा एक बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट है मार्केट में जो आप अपने दोस्तों को दे सकते हैं। देखिए ये खूबसूरत सा पॉट है यहाँ पे जिसपे फ्रेंड कंसीडर योरसेल्फ हग, यानी अगर आप अपने दोस्तों से दूर हैं तो आप उन्हें खूबसूरत सी झप्पी देना चाहते हैं तो ये फ्लावर पॉट उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इस फ्लावर पॉट के ऊपर एक खूबसूरत सा फ्लावर भी है जिसमें एक खूबसूरत सा मैसेज लिखा हुआ है विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। देर करने की जरूरत नहीं है, टाइम है अपने रूठे हुए दोस्तों को मनाने का और जो दोस्त आपके करीब हैं उनके लिए इस फ्रेंडशिप डे को और भी खूबसूरत बनाने का इन खूबसूरत प्रोडक्ट्स के जरिए। तो देर किस बात की, बनाइए फ्रेंडशिप डे खुशियों के साथ। And wish you all a very happy friendship day. Cameraman Gaurav ke saath Gitika Verma, Zee Media, Delhi. वैसे फ्रेंड्स को स्पेशल फील करवाने के लिए वर्ड्स ही काफी हैं, लेकिन कई बार हम दिल की बात जुबान पर नहीं ला पाते और ऐसे में हमारे लिए हेल्पफुल साबित होते हैं ग्रीटिंग कार्ड्स। मार्केट में फ्रेंडशिप डे के लिए किस तरह के कार्ड्स अवेलेबल हैं आप भी देखिए। फ्रेंडशिप डे के मौके पर फ्रेंड्स को कार्ड देने का ट्रेडिशन काफी पुराना है और दिल की बात अगर कार्ड के जरिए बयां कर दी जाए तो भला इससे अच्छा गिफ्ट और हो क्या सकता है। फ्रेंडशिप डे के मौके को खास बनाने के लिए मार्केट में कार्ड्स की डिजाइनर रेंज अवेलेबल है। हर कार्ड पर आपको अलग अलग तरह के मैसेजेस, डिफरेंट कलर्स और डिजाइनिंग देखने को मिल जाएगी। हर एज ग्रुप को कैटर करने के लिए शॉप्स पर डिफरेंट कार्ड्स की वैरायटी है। फ्रेंड्स को कार्ड देना स्पेशल तो लगता ही है, साथ ही ये कार्ड्स आपकी जेब भी ज्यादा ढीली नहीं होने देते। इन कार्ड्स का स्टार्टिंग प्राइस सिर्फ 30 रुपए है, तो फ्रेंडशिप डे के मौके पर अपने दोस्तों तक मैसेज पहुंचाने का एक अच्छा जरिया बन सकता है। कार्ड्स के अलावा इन दिनों मार्केट के सर्टिफिकेट भी खूब फैशन में है, इसमें फ्रेंड को बेस्ट फ्रेंड होने का भी सर्टिफिकेशन दिया जाता है। फ्रेंड्स तक स्पेशल मैसेज पहुंचाने के लिए मग्स भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको मार्केट में मिलने वाले मग्स पसंद नहीं है तो आप मग्स को कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के लिए इन पर कोई स्पेशल मैसेज लिखवा सकते हैं। फ्रेंड्स को देने के लिए फोटो फ्रेम्स हैं स्पेशल, इसके अलावा मग्स हैं जो कि अच्छी कोटेशंस फ्रेंडशिप्स की हैं उनके ऊपर, और इसके अलावा हमारे पास स्पेशल कीचेन्स हैं जो कि पेयर्स में हैं, तो कि एक फ्रेंड के पास रहेगी एक दूसरे फ्रेंड के पास रहेगी तो कभी भी एक दूसरे को ना भूल सकें, इस तरह की। इसके अलावा हमारे पास फ्रेंडशिप बैंड्स हैं स्पेशल और जो बहुत पॉपुलर रहते हैं फ्रेंडशिप डे पर, और उसमें हमारे पास कई नई रेंज आई हैं
जिसमें जिनकी रेट्स भी जो है बहुत रिजनेबल हैं, जो कि हर कोई स्टूडेंट्स भी बाय कर सकें। इसके अलावा मैसेजेस के इस तरह के फ्रेम्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। परंपरा के हिसाब से फ्रेंडशिप डे के दिन फ्रेंडशिप बैंड्स बांधे जाते हैं। नजर डालें इनकी खास वैरायटी पर, तो इनके एक से बढ़कर एक डिजाइन्स और कलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इनकी कीमत सिर्फ 15 रुपए से शुरू होती है। मार्केट में बड़े अमेजिंग बैंड्स आए हुए हैं, बट इस बार तो फ्रेंडशिप बैंड पर बैंड्स पक्का देने हैं फ्रेंड्स को। फ्रेंडशिप डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव ऑलरेडी बॉट मेनी बैंड्स ऑलरेडी। तो इस फ्रेंडशिप डे पर अगर आपने अब तक अपने फ्रेंड को स्पेशल फील नहीं करवाया है और उन तक कोई मैसेज नहीं पहुंचाया है, तो ये सारे ऑप्शंस आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जहां एक तरफ गिफ्ट्स हैं, वहीं दूसरी तरफ इस दिन के लिए लोग खास केक्स और पेस्ट्रीज भी खरीदते हैं। केक स्पेशल ऑर्डर पर बनवाए जा रहे हैं, साथ ही डिजाइनर चॉकलेट्स की भी खूब डिमांड है। यानी दोस्ती के साथ रिश्ते में घोली जा रही है ढेर सारी मिठास। आप भी देखिए। दोस्ती नाम है एक एहसास का, और इस एहसास को और भी खूबसूरत मनाने के लिए हम मना रहे हैं आज फ्रेंडशिप डे। जी हाँ, और इस फ्रेंडशिप डे पे अगर आप अपने दोस्तों के साथ अपने रिलेशन को थोड़ा मीठा करना चाहते हैं, तो हमारे पास मार्केट में है खूब सारे बेहतरीन चॉकलेट और पेस्ट्रीज और ब्यूटीफुल केक्स भी। मैं इस वक्त हूँ नोएडा के रेडिसन ब्लू MBD होटल के द के चॉकलेट बॉक्स में, और मेरे साथ है पेस्ट्री शेफ संतोष रेड्डी जी। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है जहाँ पे बोलते हैं कि मिल बैठेंगे यार केक पेस्ट्री और चॉकलेट लेके, तो इसके लिए हम ये चीज को और बेहतरीन बनाने के लिए हम अच्छे चॉकलेट्स, केक्स, पेस्ट्रीज और मैक्रोन्स बनाते हैं। केक्स की अगर हम बात करें तो पहले हम सिर्फ बर्थडे पे, एनिवर्सरीज पे या स्पेशल ओकेजन्स पे केक लेते थे, लेकिन अब लोग फ्रेंडशिप डे पे भी केक ले रहे हैं, अपने दोस्तों को खूबसूरत तोहफा के तौर पे केक दे रहे हैं। तो क्या स्पेशल केक है, आपने क्या स्पेशल केक यहाँ चॉकलेट बॉक्स में बनाया है? अभी हर अवसर के लिए केक जाता है, पहले बर्थडे के लिए जाता था, एनिवर्सरी के लिए जाता था, अभी फ्रेंडशिप डे के लिए हमने यंगस्टर्स के लिए और एल्डरली पीपल के लिए अच्छा केक्स हमने सेलेक्ट करके रखा है, जो है फ्रेश फ्रूट सीजनल केक है और रेड वेलवेट तिरामिसू है, जो हमने ये फ्रेंडशिप डे के लिए स्पेशल बनाया है। और एल्डरली पीपल जिनको डायबिटीज या ये प्रॉब्लम, उनके लिए हमने चॉकलेट मूस शुगर फ्री केक भी बना के रखा है। जैसा आपने बताया हमारे पास एल्डरली के लिए शुगर फ्री केक भी है, तो एल्डरली लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे केक के लिए और प्रेफर करते हैं वो केक। दोस्ती जैसा हम पहले भी बोलते थे, अभी भी बोल रहे, दोस्ती एक एहसास है, उसके लिए कोई उम्र होती तो है नहीं। तो अभी एज ग्रुप के बारे में हम अगर बात करते हैं, तो अभी जनरेशन में तो 15 साल से ही फ्रेंडशिप एक अच्छा बड़ा चीज माना जाता है। तो हमारे पास 18 साल रहने दो, 20 साल रहने दो, 60 साल के लोग भी आते हैं, केक लेके जाते हैं, पेस्ट्रीज लेके जाते हैं, चॉकलेट्स लेके जाते हैं। इसको उम्र के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते जी। और अगर हम चॉकलेट बॉक्स का बात करें, तो कुछ स्पेशल चॉकलेट बॉक्स है जिसमें हम अलग अलग चॉकलेट, डिफरेंट कलर्स के चॉकलेट को हम अपने दोस्तों को दे सकते हैं? हाँ जी, हमारे पास चॉकलेट बॉक्स में तो चॉकलेट्स जो वैरायटी है, हम 6 पीस में, 18 पीस में, 12 पीस में और 24 पीस में अवेलेबल हमेशा रहते हैं। बट मैंने ये बार एक अलग चीज बनाया है फ्रेंडशिप डे के लिए, जो कंप्लीट चॉकलेट से बनाया है, जहां पे दोस्त और एहसास के लिए दोस्तों को और मीठे चीज ये बॉक्स के अंदर ही प्रेजेंट करके दे सके उन्हें। अच्छा, प्राइस रेंज की अगर हम बात करें तो कहां से स्टार्ट होके कितने तक प्राइस है? प्राइस रेंज एक्चुअली आप अगर देखने जाओ तो यहां पे बहुत कम है। हमारा 6 पीस जो चॉकलेट बॉक्स है वो 500 ऑल इंक्लूसिव पड़ता है, 500, और 12 पीस का 850 रुपए, 18 पीस का 1250 और 24 पीस का 1600। तो ये कंपैरेटिवली जितना हाई एंड चॉकलेट्स हम देते हैं उसके सामने ये प्राइस कम ही, और दोस्तों के लिए तो पैसे तो कभी देखते नहीं है, तो ये तो सबको पता है। तो देखा आपने, बिल्कुल ठीक कहा शेफ ने, दोस्तों को देना है तो फिर पैसे मैटर नहीं करते। तो फिर देर किस बात की, फ्रेंडशिप डे है आज और टाइम है दोस्तों के साथ खूब सारी मीठी मीठी बातें करने का, फ्रेंडशिप डे मनाने का, और हाँ, रूठे हुए दोस्तों को मनाने का। तो क्यों ना हम इस बार चॉकलेट और पेस्ट्री से फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करें।
फ्रेंडशिप डे को लेकर यंगस्टर्स हमेशा एक्साइटेड रहते हैं और हाल ही में कॉलेज शुरू हुआ है, ऐसे में नए रिश्तों की शुरुआत भी इसी दिन से हो सकती है। मुंबई आपको लेकर चलते हैं, वहां के फर्स्ट ईयर के कॉलेज स्टूडेंट्स इस दिन के बारे में क्या सोचते हैं, देखिए। कहते हैं मुंबई में जब बारिश होती है तो क्लाइमेट काफी रोमांटिक हो जाता है, लेकिन आज एक अलग सा दिन है क्योंकि आज है फ्रेंडशिप डे और मेरे साथ एक लड़के वाला ग्रुप यहाँ पर है। आप कौन से कॉलेज से? मुंबई में सो सुपायस कॉलेज, अगर आप ना जाने तो एक गर्ल्स कॉलेज है। क्या आपको लगता नहीं आपके कॉलेज में लड़के होने चाहिए थे? ऑब्वियसली होना चाहिए। गर्ल्स आर फन, लेकिन लड़के होते तो फिर बाबा जी का ठुल्लू दे रहे होते। लेकिन अगर कॉलेज में लड़के होते तो यू'ड हैव एंजॉयड मोर, राइट? फ्रेंडशिप डे बांधने के लिए पीछे आता कोई, आप भगा दे, राइट? कुछ तो होता। चलो वो सब ठीक है। आप जो लड़के का ग्रुप है, आप कितने टाइम से साथ में हो? कितनी पुरानी दोस्ती है? 2 months। 2 महीने से साथ में हो? काफी गहरी दोस्ती लग रही है आपकी, ऐसे लग रहा है सालों से साथ में हो। क्या प्लान है फ्रेंडशिप डे के लिए, क्या हो रहा है? We're going to Maathiran and because it's का बर्थडे है और हम बर्थडे का वहाँ सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो आप जानते हो पूरा इंडिया आपको एक प्रेजेंट विश कर रहा है, तो एवरीबॉडी विशिंग हैप्पी आकांक्षा। चलो तो आप देख रहे हो पूरा प्लानिंग चल रहा है यहाँ पर फ्रेंडशिप डे मनाने का। कोई सीक्रेट एडमायरर बॉयफ्रेंड कहीं मिलने जा रहे हैं? कोई मिल रहे हैं अपने बॉयफ्रेंड से? आई नॉट सेइंग बॉयफ्रेंड, लेकिन लड़कों से। गर्लफ्रेंड की टीम है, हम ही जा रहे हैं। यू हंटिंग फॉर वन? तो ऑल सिंगल बैचलर्स बर्थडे गर्ल ढूंढ रही है एक बॉयफ्रेंड, तो प्रॉब्ली यू कैन ट्राई। गर्ल्स अगर आप सब लोग विश करना चाहते हैं टू ऑल द पीपल इन इंडिया अ वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। रॉनल जी मीडिया मुंबई। ये बात हो गई मुंबई की और अब आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के गर्ल्स कॉलेज में, जहां लड़कियां अपनी नई दोस्ती की कहानी बयां कर रही हैं, देखिए। सच दोस्ती दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है और आजकल ये सबसे ज्यादा कहीं महक रही है, तो वो है डिफरेंट कॉलेजेस, जहां एक तरफ कोर्सेज की शुरुआत है तो वहीं दूसरी तरफ दोस्ती की नींव पड़ रही है। दौलतराम कॉलेज में इस समय मौजूद है और आप देख सकते हैं यंग जनरेशन है, न्यू बच्चे हैं और सभी कहीं अलग अलग आए थे, लेकिन आज ये एक ग्रुप बन चुका है, ये दोस्त बन चुके हैं। अच्छा आप क्या कहना चाहेंगी, कहाँ से? दिल्ली से ही हैं? हाँ, दिल्ली से। किससे दोस्ती हुई सबसे पहले? अंकुशा से ही। अंकुशा से? मतलब सोचा नहीं था कि जो सबसे पहले बाहर से ही आई है उससे ज्यादा मैं एकदम कंफर्टेबल हो जाऊंगी, लेकिन बहुत हम दोनों एक जैसे ही हैं तो दोस्ती जल्दी हो गई। पागल है। से पहले महक से। महक से हुई सर? वी आर इन द सेम क्लास। ओके। या एंड वी वर सिटिंग टुगेदर, सो इंट्रोडक्शन हुई एंड फिर लगा कि हमारे टाइप की है, फिर दोस्ती होगी। बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत मजा आता है, हम बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, इधर आसपास मार्केट्स में जाते हैं, बहुत मजा आता है। दिल्ली भी घूम रहे हो? यस, बहुत ज्यादा। तो अच्छे दोस्त होना कितना लकी फील कर रहे हो? बहुत ज्यादा लकी फील कर रहे हैं, ऐसा सोचा नहीं था। पहले लग रहा था बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत अजीब लोग होंगे, मतलब बहुत मुश्किल लगेगा दूसरों से बात करना, बट अब ऐसा लग रहा है कि बहुत, मतलब अपने टाइप के हैं, सबके साथ कंफर्टेबल है। बस हम ऐसे ही साथ रहे 3 साल तक, उसके बाद भी टच में रहे, ऐसे ही मस्ती करते रहे, इंजॉय करते रहे, ऐसे ही कॉलेज लाइफ चलती रही। क्या क्वालिटी पसंद आई? क्वालिटी वो बहुत अच्छा नेचर है, फ्रैंक है, अच्छी तरह बोलती है, ये नहीं कि भाई थोड़ी वैसे टाइप की, शाय टाइप की नहीं है, बहुत अच्छा नेचर है। दौलतराम कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, तो एक ये डिसएडवांटेज भी रहता है यार लड़के दोस्ती। हाँ, बोरिंग है कॉलेज स्वैग में, देयर इज नो एनएसपी, नैन सुख प्राप्ति के लिए कुछ बचा ही नहीं है यहाँ पे। मेल फ्रेंड भी इम्पोर्टेंट होते हैं? हाँ, होते हैं। तो यहाँ पर गर्ल्स कॉलेज है, बाहर दोस्ती और हो रही है? हाँ, चढ़ रही है, चल रही है, हवा की तरह बह रही है। और हम उम्मीद करेंगे हवाएं ऐसे ही बहती रहे। क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, लड़की नहीं है यहाँ पर, गर्ल कॉलेज है ये, तो ये भी एक डिसएडवांटेज मानती है? या थोड़ी सी। कैसे जले पे नमक कहते हैं? अच्छा, तो ये नमक आजकल बहुत ज्यादा गिर रहा है यहाँ पर, बहुत ज्यादा। क्योंकि नई नई दोस्ती है यार आपके पास है ना? पर मेरे 3-4 बॉयफ्रेंड्स हैं। कॉलेज की शुरुआत है और उम्मीद करते हैं कि ये दोस्ती जो है लाइफ लॉन्ग रहे। दिल्ली से कैमरामैन राजेंद्र के साथ शिल्पा पुंडी, जी मीडिया।
तो लाइफस्टाइल में आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।